गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे बिना हेडफोन के एडिटिंग कर रहा हूँ आज, तो ये वहाँ लेटी हुई थी, वहाँ से घूम घूम के पता नहीं कैसे यहाँ आ गई, क्योंकि इसको आवाज़ आ रही ना इसमें से, तो इस आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ आ गई पास में। कैसे कैसे घूम घूम के आए आप? मैं कहता ना ये पूरे में घूम जाती है, अभी भले ही क्रॉल नहीं कर पाती पर ये गो ऐसे साइड में पूरी घूम जाएगी, ऐसे घूम घूम के इधर आ जाएगी। बड़े ध्यान से सुन रहे हो भाई। अभी वीडियो रेंडर हो रही है बस, और टाइम तो है ही नहीं, पर यहाँ दिख रहा है 11:45, तो 15 मिनट है मेरे पास इस वीडियो को रेंडर होके अपलोड लगाने में और पब्लिक करने में, क्योंकि 12 बजे वीडियो आती है। तो देखते हैं आज टाइम पे आएगी या 5-10 मिनट लेट होगी। वैसे रेंडरिंग में तो अभी सिर्फ 1-1.5 मिनट और दिखा रहा है, रेंडरिंग में ज़्यादा टाइम लगता है मेरे इसमें, रेंडरिंग में लगता है ज़्यादा 2-3 मिनट लगते हैं, सो हो जाता है 12-13 मिनट का वीडियो, ये लगभग 11 मिनट का वीडियो है। इस लड़की ने इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन कुछ ज़्यादा ही खाने की वीडियोस देख ली हैं, कोई थाली वाली है जिसमें थाली वगैरह सजा के देते हैं, तो उसमें जो है इसने बहुत ही ज़्यादा थाली वगैरह देख ली है, तो इसे ये भूत चढ़ा है कि इसने ये बना दी, मतलब यह चावल पापड़ प्याज रसगुल्ला ये कौन खाएगा, तो तुम ही खाओगी, और यहाँ भी ये रायता दाल मखनी भिंडी रोटी भाई, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया है। और आज और पता है इसको खाने के लिए आज ब्रेकफास्ट स्किप हो गया है, रसगुल्ला सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, और अच्छा खाएगा, अच्छा सिर्फ प्रेजेंटेशन, मैं खा लूंगा। ठीक है तो खाते हैं, चलो आज नाश्ता बाद में होगा, जो प्रोटीन है वो बाद में पियेंगे, अभी पहले खाना खा लेते हैं सीधा। क्या हो गया भाई, रो रही है? तुमने मेरे गंजा कर दिया दोबारा, मम्मा ने आज दोबारा गंजा कर दिया इसको। अरे तुमने तो बोला था इसके बड़े बड़े बाल काट दो, अब जो छोटे थे उसी की सीध में। मैंने बोला था नॉर्मल बराबर करेंगे, जो यहाँ पे बेबी है वो छोटे बाल थे उसी की सीध में काटे हैं। ये गलती मारो तुमने 4 नंबर पे करके, पर गलती जीरो पे कर दिया ना। बात वो गलती वाली नहीं है, पहले मैंने छोटे ही काटे इसके बाल पकड़ पकड़ के, फिर मैंने देखा ये जो बड़े वाले बाल है वो कट के बेकार लग रहे हैं क्योंकि ये बीच वाले बाल छोटे हैं, फिर मैंने सब एक बराबर कर दिया। ऐसा नहीं, छोटे वाले अभी भी छोटे हैं। वो भी रो रही है, अरे गंजा कर दिया तुमको, मैंने गंजा कर दिया। मम्मी आ चुकी है आगरा से, और तुम घूम रहे हो। कैसा लगा गर्मी में? भी पांव लटका लटका है ना, उधर से बस भी खराब हो गई ना रास्ते में, बस खराब ही 1.5 घंटा है मैं यहां सही भी अलीगढ़ में मां खड़ी रही, मैं तो बाहर निकल रही पेड़ नीचे खड़ी रही, गर्मी इतनी भर रही, फिर वही बस चली दूसरी बस में बैठाया वही, अच्छा खैर फट गई वो। तो परसों हमें जाना है जयपुर, इसलिए मैं और शैम्पू जी जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ गाड़ी में काम है वो करवाने, इसकी एक साइड का जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया दोबारा से, पता नहीं क्या हो गया ये, मैं 2 बार, एक बार पहले डलवाया था, एक बार अभी 2 महीने पहले डलवाया, फिर ये 3री बार हुआ इसका एक बल्ब फ्यूज हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो देखना पड़ेगा इसका, वो डलवाते हैं और एक एक्स्ट्रा भी ले लूँगा क्योंकि एमरजेंसी में कहीं काम आ जाए, जो इसका जो लो बीम है वो फ्यूज होता है ऐसे, क्योंकि इसमें आगे हेडलाइट में 2 अलग अलग बल्ब हैं, एक हाई बीम का एक लो बीम का, तो जो प्रोजेक्टर वाला है वो फ्यूज हो जाता है एक साइड का, तो देखते हैं वो डलवाते हैं, और बाकी इसकी साफ़ सफाई करवानी है, तो वो शोरूम पे तो नहीं, वो शायद मैं घर पे आके शायद वैक्यूम क्लीनर से खुद ही करूँगा, ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा, और फिर बाकी जो है बाहर से धुलवा लेंगे कहीं पे, है ना? यस। अभी कल का टाइम हो रहा है हमारे पास, कल दिन का, तो उसमें देखते हैं क्या करना है, कल हमें शायद पैकिंग वगैरह करनी है, पर आज मैं सोच रहा हूँ आज जितने भी काम है सब निपटा दिए जाएँ, है ना शैम्पू जी? कल सारे और भी काम, हाँ क्योंकि हमें कल रात मतलब वही है कि हाँ सुबह ही निकलेंगे हम परसों सुबह, बट फिर वही है ना कि सारे काम सोने से पहले हो जाने चाहिए तो ज्यादा बढ़िया है, ये तो फिर वही भागम भाग रहती है। का ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो गया है, लो बीम वाला, ये वाला हाई बीम जल रहा है, लो बीम फ्यूज है इसका, उधर के दोनों सही हैं, मैंने वैसे कुछ 1 महीने पहले ही बल्ब चेंज कराया था, अब मुझे याद नहीं वो वाला कराया था वो वाला कराया था, तो वो कह रहे हैं वही वाला है क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं है, अंदर से खोल के देखा उन्होंने, तो अब उधर वाला भी फ्यूज हो गया है, तो पता नहीं क्या है, चलो ठीक है अभी डलवा लेते हैं क्योंकि ट्रिप पर जाना है हमको, सो उसके बाद देखते हैं अगर आगे कोई दिक्कत आती है। वैसे मैं इस गाड़ी में हेडलाइट के बल्ब 2 बार डलवा चुका हूँ, ये 3री बार डलवा रहा हूँ, मतलब 2.5 साल में 3 बार बल्ब फ्यूज होना पता नहीं क्या मैटर है, तो बल्ब डल चुका है और ये देखो कैसा हो गया, ये काला पड़ गया है, तो मैंने इसमें डलवा भी दिया है, एक एक्स्ट्रा में भी ले लिया कि एमरजेंसी में कहीं और फ्यूज हुआ तो हम जो है ट्रिप में ये नहीं किया दिक्कत हो, क्योंकि हम रात में भी ड्राइव करते हैं तो काम आ जाएगा। मैंने कहा शोरूम पे आए तो ज़रा इसमें थोड़ा सा पानी भी लगवा दें क्योंकि इसमें अंदर यहाँ मिट्टी जमी हुई है ना, साफ़ सफाई इसकी हुई नहीं है। मैं क्या आई हैं तो इसका एयर फिल्टर भी साफ़ करवा ही लेते हैं क्योंकि मनाली के बाद से साफ़ नहीं हुआ ना, वैसे तो चेंज होगा पर
अगली सर्विस का भी टाइम है तो 4,000 किलोमीटर और चलेगी। सारे काम हो गए आज, मेन गाड़ी परफेक्ट हो गई। सो गाइस लगभग सारा काम खत्म हो चुका है गाड़ी में, लाइट भी सही हो गई, एयर फिल्टर भी इसका साफ करवा दिया और नीचे से पानी भी डल गया, हो गया। तो अभी बस चलते हैं घर। और सबसे ज्यादा खुशी की बात आज ये है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सिमन के हो चुके हैं 2,00,000 सब्सक्राइबर्स। अरे वाह पार्टी। तो आज जाके अभी हम जो है केक लेके जाएंगे, उसको सरप्राइज करेंगे। वैसे उसको पता चल गया है, उसे वो सुबह उसने मेरे को बोल भी रही थी कि मेरे आज 2,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो उसके इस टाइम बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लड़के के, तो भाई विश करेंगे। सो अभी जो है कि अब सिमरन के भी, एक सिमरन के चैनल पर भी 2,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे चैनल पर भी 2,50,000 सब्सक्राइबर थे ही पहले से, और इस वाले चैनल पे भी बस कितने हैं 55-56 इस पे भी हो गए 57। शैम्पू जी और पीछे पीछे आ रहे हैं रेस लगाते हुए, शैम्पू जी भी जल्दी से 10,000 को छू लेंगे और फिर उसके बाद 50,000, फिर 1,00,000। यही है जिंदगी में, है ना, लगे रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो। चलो केक लेते हैं, अभी चलते हैं, सारे काम हो गए। चलो चोपड़ा चोपड़ा सर भाई। बढ़िया, आज निकलो में कोई केक दिखा भाई। बढ़िया तो कौन सा है? अरे सबसे बढ़िया कौन सा है? केक आ चुका है अभी, बस गाड़ी में एक टायर में हवा कम है, शायद पंचर है उसमें, तो वो कराते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। किधर चले भाई, किधर चले गए? आ जाओ आ जाओ। मम्मा ने गंजा कर दिया दोबारा से। गंजा हो गया, गंजी गंजू। सरप्राइज, ये 200 के हो गए, ये बड़े लोग हो गए भैया, बड़े यूट्यूबर है, 2,00,000 वाले यूट्यूबर, 2,00,000 वाले यूट्यूबर, 2,00,000 सब्सक्राइबर हो गए। ये अच्छे से नहीं लिखा उसने, चोपड़ा ने, चोपड़ा ने देखो कैसे लिख दिया के। दो चार दिन पीछे बढ़ते जाए, छोड़ो मतलब छोड़ो, सिंचन नहीं, अरे दो चार दिन पीछे कटते जाओ। अरे चलो काटो। अरे छोड़ो, तुमने कब देगा? तुमने कब देगा? मैंने कब देगा? मैंने तो वही देख रहा था जब मैं सर्विस करवा रहा था। तुम केक भी लिया है? यस, सर्विस नहीं, मतलब गाड़ी का बल्ब फ्यूज हो गया था, वो उसमें वो डलवाया। तो बलाया नहीं, लूलू मामा के 200 क्यों हो गए? तुम्हारे होने से पहले यहां कुछ नहीं था सिंची। ओए ये तो बेचारा अभी केक खा ही नहीं सकता, वैसे इसे केक खिलाना भी नहीं चाहिए। नहीं, इसे नहीं खिलाएंगे, इसे बाद में भी नहीं खिलाएंगे, मीठा मीठा सही नहीं होता इनके लिए। इसको पनीर खिलाया करेंगे केक के नाम पर। हां पनीर खिलाया करेंगे, सही है, चलो केक के नाम पर पनीर खिलाया करेंगे। अरे सिंची तेरा पागल बनाने के लिए तेरा चैनल है, तेरा जाओ काटो। मैं मजदूर हूँ, चल। क्या तू काट, तेरा चैनल है? काटेंगे ना? नहीं वो कह रहा है आओ यार मेरे को काट। देखो उसने अकाउंट मेरा नहीं, आईडी मेरी नहीं, सब चैनल इस गाय से काम ना कर रहे हो। रूरू कह रही है सब मेरा, मैं ही कर लेता हूँ फिर। जाओ तो केक तुम्हें काटना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। लेट्स गो, देख मुझे कह रही लाओ, मैं ही काट देती हूँ, तुम क्या काटोगे, मैं ही काट देती हूँ बेटा। ऐसे नहीं, अच्छा कुछ नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, मम्मी को आन दो, सवर करो भाई, सवर करो गंजू। चलो हर जगह तुमको केक लगाना है बेटा, तुम नहीं खा सकते, चलो इधर बड़े शैतान हो, देखो यहाँ से केक खिलाते नहीं हो, मुझे लगा लेते हो आगे, मुझे आगे खा लेते हो। ये क्या चल रहा है? एक एक तो चल रहा है, बट व्हाट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम ना कहो, थैंक यू, बस बात है, बोल दो बाबा कांग्रेचुलेशन। ये कहीं से भी आया था, पता नहीं चलता कहीं से भी आया था, चुपचाप। चलो छोड़ दो, अच्छा कांग्रेचुलेशन। किस लिए? 2,00,000 हो गए, 2,00,000 हो गए, ये कह रहे केक खिलाया इसलिए कांग्रेचुलेशन, 2,00,000 हो गए बाबा, हो गए। ये लड़की रो रही है क्योंकि इसके 2,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, यूँ कह रही है मैंने इतने पेशेंस सीखे हैं यूट्यूब की वजह से, इतना सब कुछ सीखा मैंने। अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है, ये खुशी के आंसू है। मेहनत लगती है ना, लोग 2 मिनट में कह देते हैं कुछ भी, पर कोई नहीं, हम यहाँ तक पहुँचे ना, तो इसमें खुशी वाली बात है, इसमें रोने वाली बात नहीं है, समझे? अपनी वीडियो एडिट करते करते रो रही है उसमें, बोल रही है 2,00,000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं तब शूट कर रही थी, मुझे रोना आ गया था, बोलते बोलते क्योंकि वो फीलिंग हमें पता है ना कि हमने
तेरे को लगभग 4-5 साल हो गए ना जब जाके यहाँ पहुँचे, और लोग 2 मिनट में कह देते हैं कि ऐसे ऐसे भी टाइम है तो मन कर रहा है चैनल डिलीट कर देते हैं यार, कुछ नहीं हो रहा, कुछ होगा भी नहीं, कुछ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जॉब कर लेते हैं, 20,000 रुपये तो मिलेंगे कम से कम, की भी है यूट्यूब के साथ साथ जॉब भी की है, सही बात, पर यूट्यूब ने सब छुड़वा दिया, छुड़वा दिया तो उससे कई गुना ज़्यादा दे रहा है ना वो, ऐसे होता है, समझ में आया, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, हम स्कूल टाइम की बात से लग रहे हैं इसमें लगभग, ये सोच रहे हो तुम। मैं तो कभी करती भी नहीं, मैं तो एक ट्यूशन पढ़ाती थी जिसमें मुझे 6,000 रुपये मिलते थे, उससे पहले एक जॉब करती थी जिसमें 12,000 रुपये मिलते थे, वो छोड़ के मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, होम ट्यूशन देती थी मैं उस टाइम पर, ज़बरदस्ती दिवेश ने मुझसे वीडियोज़ बनवाए, मेरा कोई मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे तो फोटो खिंचवाने भी नहीं आते थे, पासपोर्ट साइज कैसे खिंचवाते हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 दिवेश ने पुश किया, फिर मैंने बनाए वीडियोज, पर कुछ साल चले गए निकल गया कुछ नहीं हुआ, शुरू में ऐसा लगा था ना कि पता नहीं क्या ही होगा, एक वीडियो के कोई किसी ने स्पॉन्सर आए भी थे तो 2 साल बाद चैनल बनने के तो 3,000 रुपये दिए पहले स्पॉन्सर ने, वो भी 2 साल बाद यूट्यूब चैनल के बनाने के, और अब पीछे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार तो क्या ही हो गया पता नहीं, तो बहुत चेंजेस आए पहले से, और अभी बहुत एफर्ट्स लगे हैं, अभी बहुत आगे जाना है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने दिवेश को भी देखा है, दिवेश जैसे स्टार्ट करता था तो दिवेश की एकदम वीडियो चल जाती थी, दिवेश के किसी भी मिनट व्यूज चले गए, दिवेश के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ गए, मेरे वहीं अटके हुए थे, आई थिंक पिछले लॉकडाउन की वजह तब आया है, तब से मैंने जो रेगुलर वीडियोस डालने शुरू करे तब मेरा चैनल कहीं जाके उठा है, और अब जाके थोड़ा जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी बनी है, शुरू में ये था कि मैंने बहुत हमने हम दोनों ने एक वो टाइम भी देखा है जब हमारी वीडियो पे 2 व्यूज होते थे और वो 2 व्यूज हमारे ही होते थे, 5-5 दिन तक वो चीज़ देखी है मेरे, 3 महीने तक, मुझे 3 महीने तक ना इसके तो जल्दी सब्सक्राइबर हो गए थे, इसके हो गए थे 3 महीने के अंदर ही 500 के करीब, हाँ मेरे 100 ही नहीं होके दे रहे थे 3 महीने तक, लेकिन फिर जब दिवेश की एक वीडियो चली थी जियो की, तो फिर उभार आया था दिवेश के तेरे उस टाइम पे बढ़ गए सब कुछ, पैसे वैसे सामान लगे मेरे, उसके भी कितने साल बाद वो आया यार, तो ये अभी तो अभी तेरे 1 साल हुए, 1 लाख भी, हाँ। 1 लाख भी 1 साल हुए, 2 लाख भी 1 साल हुए, हाँ। और देखिए हो सकता है 3 या 4 लाख भी 1 साल हो जाए, पता नहीं अभी वो लकी है मानते हैं, पर लक भी जब काम करता है आदमी कोई मेहनत करता है, चल अब काम कर ले जल्दी से, फिर तेरे को कुछ खिलाने चलो मस्त, आज पार्टी चल मेरी तरफ से जा, तू रोज पार्टी करवाता यार, अरे कोई बात नहीं, पतला नहीं होने देगा मेरे को, गोवा में मस्त मस्त कपड़े पहनने का, कोई बात नहीं हो जाएंगे पतले यार, ये कभी कभी आता है, एग्जैक्ट शेप है। तो अभी हम जा रहे हैं दिव्यांश के पास, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ मल्टीविटामिन वगैरह ये सब चीजें लेके आनी है, क्योंकि वो खत्म हो गई है, और कुछ कैल्शियम वगैरह, क्योंकि ये कैल्शियम वगैरह खाती है अभी भी, सो वो सब चीजें, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जब जा ही रहे हैं तो शैम्पू और सेवन भी साथ में जा रहे हैं, मैंने कि चलो ठीक है यार, सेवन के 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं तो सेवन को कुछ खिला देंगे, जो आज सेवन बोलेगी वो मेरी तरफ से पार्टी, मुझे बहुत काम है यार आज काम है, तो खाने वाने मत नहीं कर रहा, खा लूंगी, कर लो आधे घंटे में कर लोगी, जब तक हमने अपने आप ले लेंगे दवाई वगैरह, उसके बाद जो खाना है आज जो मन करे, ठीक है, नहीं जहर तो नहीं मिलेगा, जहर लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, चूहे मारने की दवाई मिल जाएगी, तुम तो मरी जाओगे, चूहे तो मरी जाते उससे, चल चलते इधर, कैसा लग रहा है हाथ में तेरे लेके जैसे ड्रग्स सप्लाई कर रहा हूँ ऐसा ही लग रहा, हाँ भाई ड्रग्स ले आया, हाँ ड्रग्स है, दवाई ड्रग्स ही होती है ऐसे, हाँ ड्रग्स है, तो अब यहाँ पे हम खा रहे हैं रोल और ये अपनी चटनी आ चुकी है, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जैसे हम बोलते हैं, सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट, नमस्ते, अलविदा, टाटा, और बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, और अभी हम जो है कल हम निकलेंगे जयपुर के लिए, कल क्या आज रात में निकल, नहीं मतलब कल सुबह होगा, आज रात को मान लो, ठीक है, तो वेरी एक्साइटेड, बहुत कम है, चलो पैकिंग।